This could be us. So back to what I was saying. This could be us. हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज गौरव पांडे एंड वेलकम टू स्टॉक्स टॉक्स। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, और साथ में आपको दूंगा दो इंट्राडे स्टॉक्स जो आप कल मार्केट टाइम में बाय कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कल एक्सपायरी है, तो उसी हिसाब से आपको ट्रेड करना है, लॉट साइज अपने हिसाब से रखना है। बायर्स को कल थोड़ा सा मेरे को लगता है प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि गैप है वो कल फिल होने की चांसेस मुझे लगती है। मार्केट की बात करें, आज मार्केट मेरे को बहुत ज़्यादा चौपी लगा, मतलब कोई भी अच्छा मूव नहीं था। मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ, उसमें आपको मूव दिखाता हूँ एक बार। ये देखो कितने बेकार मूव्स आए थे इसमें, ना कहीं पर अच्छा ब्रेकआउट हुआ है ना कहीं अच्छा ब्रेकडाउन हुआ है। ये देखिए यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई थी, उसके बाद रेजिस्टेंस लिया, नया इसने आजकल हाई बनाया, आज के हाई के अंदर ही ये बिल्कुल चलता रहा। इसमें सडन मूव्स आए हैं 5-5 मिनट में, देखिए 5 मिनट में यहाँ से देखिए यहाँ तक हमको फॉल देखने को मिला, उसके बाद ही 5 मिनट की कैंडल हमको इतनी बड़ी देखने को मिल गई। एक भी इसमें हमको अच्छा मूव उतना देखने को नहीं मिला और उतनी अच्छी मार्केट नहीं, फिर भी मैंने बैंक निफ्टी में अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है। उसकी मैंने इंस्टाग्राम में आपको डाला था, प्रॉफिट बुक करने से पहले आपको इंस्टाग्राम में मैंने चार्ट शेयर किया था, और उसके बाद मैंने आपको रील बना के बिटाली थी इंस्टाग्राम में कि कैसे मैंने प्रॉफिट बुक करा है। तो आप वो इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसमें आपको ट्रेड्स देता रहता हूँ। तो कल का डिस्कशन कर लेते हैं निफ्टी बैंक को, हम दोबारा 15 मिनट टाइम फ्रेम में तो देख के चलते हैं। पहले हम डेली की कैंडल देख लेते हैं, डेली में आज का कैंडल का कैसा फॉर्मेशन हुआ है। डेली में अगर कैंडल देखें तो एक देखिए जो मैंने आपको कल बताया था कि बहुत अच्छी एक बुलिश कैंडल बनी है, मैंने आपको कल की वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने उसमें आपको बोला था, साफ बोला था कैंडल अच्छी है, क्लोजिंग बहुत अच्छी मिली है मार्केट को। और उसके बाद जैसे मैंने कल बोला था उसका देखिए हमको 581 पॉइंट्स का अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल गया है। तो अच्छी कैंडल आज भी बुलिश मारुबुजू कह सकते हैं हम, अच्छी कैंडल बनी है आज मार्केट में। लेकिन एक मेन दिक्कत जो अभी मार्केट में मुझे लग रही है वो है गैप। गैप एक मेन दिक्कत कर सकता है, तो गैप का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। उतना बड़ा गैप नहीं है, छोटा सा गैप है, तो उतनी ज़्यादा हमको दिक्कत नहीं होगी। तो हम तो हम देख लेते हैं कल का हमारा एनालिसिस कैसा रह सकता है मार्केट के लिए। तो ट्रेंड लाइन की बात करूँ, शायद हमको एक यहाँ पर से ट्रेंड लाइन बनते हुए देखने को मिल सकती है। ये रही हमारी ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन हमारी अच्छा काम कर सकती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें, ये वाला जो लेवल है आज का जो क्लोजिंग पॉइंट है वहीं पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये अच्छा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर हमको अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ये देखिए ये हमारा सेकंड रेजिस्टेंस होगा जो कि मेरे को अच्छा रेजिस्टेंस लग रहा है। आप लेवल देखिए बहुत अच्छा लेवल है, यहाँ पर इसने नया होल्ड किया है थोड़ा। और उसके बाद थर्ड रेजिस्टेंस की बात करें, ये रेजिस्टेंस हमारा रह सकता है 39,000, मतलब हमको 400 पॉइंट्स का ईजी मूव देखने को मिल सकता है अगर अपसाइड की हमको ट्रेड लेनी है। तो वहीं अपर्स की ट्रेंड लाइन की बात करूँ, ये ट्रेंड लाइन शायद मेरे को एक बनते हुए देखने को मिल सकती है। तो इस ट्रेंड लाइन का आपको ध्यान रखना, जस्ट आज की क्लोजिंग पर ही ये ट्रेंड लाइन बनी है, तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। सपोर्ट की बात करें, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स की बात करें, तो ये वाला लेवल के नीचे हमको अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है, ध्यान रखना है। इस लेवल के नीचे हमको अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी, फर्स्ट टारगेट रहेगा आज का जो लो पॉइंट है या उसको कहो ओपनिंग पॉइंट है, और थर्ड टारगेट रहेगा मेन टारगेट हमारा 38,085 का, 600 पॉइंट्स का ईजी मूव हमको यहाँ भी देखने को आराम से मिल सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं हमको ट्रेड कैसे लेनी है। अगर मान लीजिए हमको थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग मिली है, या फ्लैट बिल्कुल गैप अप नहीं मिलता है, थोड़ी फ्लैट ओपनिंग मिलती है या गैप डाउन ओपनिंग मिलती है इसके अंदर, तो हमको वेट करना है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। अच्छी ट्रेड बैठेगी अगर हमारा फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी। गैप डाउन भी हमको ज़्यादा गैप बड़ा गैप डाउन नहीं चाहिए, कम से कम 100 to 150 पॉइंट्स का ही गैप डाउन चाहिए, इससे नीचे बड़ा गैप डाउन नहीं चाहिए। तो अगर मान लीजिए हमको गैप अप ओपनिंग मिल जाती है इस लेवल पर, तो हमको वेट करना है गैप फिलिंग का। गैप फिलिंग के बाद हमको कोई अच्छा सिग्नल मिलता है, बुलिश सिग्नल, कोई बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, तो शायद हमको आराम से टारगेट देखने को मिल सकता है, याला गैप कल फिल होने की चांसेस नहीं है। तो 38,890 का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है अगर हमको अच्छी गैप अप ओपनिंग के बाद रीटेस्ट पर कोई भी गैप फिलिंग के बाद मतलब रीटेस्ट पर कोई भी स्ट्रॉन्ग मारुबुजू कैंडल या स्ट्रॉन्ग बुलिश हैमर देखने को मिले, तो हम इसमें एंटर कर सकते हैं कन्फर्मेशन के बाद। और वहीं अगर मैं आपको बताऊं कि फ्लैट खुलता है या थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है, तो हम वेट करेंगे छोटा सा गैप जो है फिल हो जाए, उसके बाद अगर ब्रेकडाउन हो जाता है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाता है, तो हमको कोई ट्रेड नहीं लेनी है, हमको ट्रेड लेनी है ये वाले लेवल के ब्रेकडाउन पर रीटेस्ट का। 38,370 मार्क कर देता हूं आपके लिए, 38,370 के ब्रेकडाउन के बाद जो रीटेस्ट होगा उस पर आपको आराम से ट्रेड मिलने वाली है एक बेयरिश साइड की। ये ट्रेड जैसे हमको मिलेगी आराम से हमारा टारगेट आने वाला है 38,200 का, बहुत इजी 38,202 का टारगेट आएगा। और उसके बाद का टारगेट की बात करें तो आप खुद देख लेना, आपको जो आज का जो गैप है, गैप के बाद मतलब जो कल का क्लोजिंग पॉइंट है, वो हमारा एक इंपॉर्टेंट टारगेट रहने वाला है, उसके नीचे आपको इंट्राडे में टारगेट बुक नहीं करना है। तो बहुत इजी मैंने आपको बैंक निफ्टी की ट्रेड दे दी है। तो अब हम चलते हैं निफ्टी की तरफ, निफ्टी में देखते हैं आज का हमारा मूव कैसा रहा। निफ्टी में मैंने आज खुद ट्रेड नहीं किया, निफ्टी भी बहुत ज़्यादा चौपी था। ये देखिए पूरा एक रेंज जैसे आपको देख दी होगी, इसी रेंज के अंदर निफ्टी ट्रेड किया है, हल्का सा हमको लास्ट में ब्रेकआउट देखने को मिला है। डेली कैंडल एक बार चेक कर लेते हैं कैसी बनी है निफ्टी में।
तो डेली कैंडल की बात करें तो मैंने इसके आपको बोला था अच्छी कैंडल बनी है, कल की क्लोजिंग अच्छी थी और आज की कैंडल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी है। तो वैसे अगर ब्रॉडर टाइम फ्रेम में देखा जाए तो मेरे को निफ्टी और बैंक निफ्टी अच्छा खासा बुलिश लग रहा है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं और हम देख लेते हैं कैसी हमारी कल की ट्रेड बैठ सकती है इंट्राडे के लिए। ट्रेंड लाइन की बात करो तो ये वाली ट्रेंड लाइन है जो इसमें भी हमको बनते हुए देखने को मिल सकती है और जो अच्छा काम कर सकती है। तो इस ट्रेंड लाइन का ध्यान हमको निफ्टी में भी देना है और अच्छी खासी ये ट्रेंड लाइन काम कर सकती है मुझे लगता है। और वहीं अगर अपर ट्रेंड लाइन की बात करें तो ये लेवल मेरे को एक लगता है अपर ट्रेंड लाइन का काम कर सकता है। जस्ट सेम पैटर्न बन रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। तो हमको ट्रेड कैसे करना है वो डिस्कशन कर लेते हैं। ये वाला जो आज का क्लोजिंग लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। तो इस रेजिस्टेंस लेवल का हमको ध्यान रखना है और साथ में सपोर्ट्स की बात करें ये देखिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हमको देखने को मिल रहा है इस लेवल पे। और इसके बाद का एक सपोर्ट लेवल देखें तो ये वाला जो गैप है ये आराम से हमको सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। बस छोटे अगर सपोर्ट की बात करें जो आज का ये वाला पॉइंट है आज का लो पॉइंट है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्टर काम कर सकता है कल मार्केट में निफ्टी के लिए। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात करें रेजिस्टेंस बहुत अच्छे हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है तो इसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। इजी टारगेट हमको मिलेगा ये वाले लेवल तक का, इस लेवल तक का मेरे को इजी टारगेट देखने को मिल सकता है निफ्टी में। सेकंड टारगेट की बात करें तो बहुत छोटा टारगेट मिलेगा, वो मिलेगा हमको 17,610 का। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रेड कैसे करनी है। जैसे सेम बैंक निफ्टी में हमको ट्रेड करना है, अगर थोड़ा सा हमको फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है या हल्की सी गैप डाउन देखने को मिलती है तो हमको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है, फिर हम उसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ट्रेड करेंगे। अगर हमको थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है सेम बैंक निफ्टी ऐसी गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है तो हम वेट करेंगे, रिटेस्ट करें, रिटेस्ट करके कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन हो अच्छी खासी हमको कन्फर्मेशन मिले उसके बाद हम आराम से टारगेट लेंगे 17,570 की। और उसके बाद का हम टारगेट लेंगे आराम से 17,610 का। बहुत इजी हमको निफ्टी में टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे बुलिश साइड के। बेयरिश साइड की बात करें हमको वेट करना है ब्रेकडाउन का, स्ट्रेंड लाइन का। स्ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो हमको बेस्ट एंट्री जो मिलेगी कंफर्मेशन के साथ वो मिलेगी हमको ये वाला जो आज का सपोर्ट पॉइंट है जो है 17,380 का। वो अगर ब्रेकडाउन प्लस रीटेस्ट हो जाता है तो हमको आराम से ट्रेड मिल जाएगी। पहली टारगेट मिलेगी हमको 17,340 का, 40 पॉइंट्स का इजी मूव मिलेगा हमको। उसके बाद हमको मूव देखने को मिलेगा 17,290 का। बहुत इजी हमको पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे, आराम से 100 पॉइंट्स के हमको डाउनसाइड की ट्रेड देखने को मिल जाएगी और अच्छी खासी गैप फिलिंग हमको देखने को मिल सकती है अगर हमको ब्रेकडाउन हो जाता है 17,380 लेवल का। तो ध्यान रखना निफ्टी में भी आपको मैंने अच्छी खासी एनालिसिस दे दी है। लास्ट में एक बार और बोलता हूं हमको बस ध्यान रखना है कल एक्सपायरी है तो ज्यादा हैवी क्वांटिटी में ट्रेड मत करो। ऑप्शन सेलर हो तो आप अच्छी खासी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो लेकिन उसमें भी आपको रिस्क मैनेज करना आना चाहिए। एनएमडीसी लिमिटेड को देख लेते हैं, मेरा जो पहला स्टॉक है इंट्राडे के लिए, इसमें अच्छा खासा एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। जो रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, कम से कम 4 फेब से हमारा रेजिस्टेंस काम कर रहा है और लगातार बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस काम कर रहा है, बड़ी बड़ी अपर विक्स बन रही है। तो ध्यान रखना अच्छी खासी इसकी क्लोजिंग हो जाए इस लेवल के ऊपर तो हमको अच्छा खासा बुलिश साइड का टारगेट मिलने वाला है। तो 30 मिनट टाइम फ्रेम में चल के हम एक बार टारगेट्स डिसाइड कर लेते हैं कि हमको क्या टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो इजी टारगेट हम पहला लेंगे जो इंपॉर्टेंट सबसे मेजर रेजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल और इसके बाद का जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है हमारा ये वाला लेवल 157 का, आराम से हमको टारगेट देखने को मिलेगा। ट्रेड कैसे करनी है वो डिस्कस कर लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में वापस चलता हूं मैं आपको, 15 मिनट टाइम फ्रेम में वापस लेके चलूँ तो इसमें हमको कैसे ट्रेड करना है वो डिस्कस करेंगे। ट्रेड हमको सिंपली मिल जाएगी अगर जैसे ही इस वाले लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है प्लस रिटेस्ट हो जाता है। एंट्री पॉइंट हमारा क्या होगा 156, हमारा एक इजी एंट्री पॉइंट होगा। स्टॉप लॉस हमारा होगा 155 का, 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, 156.70 का पहला टारगेट और 15 पॉइंट्स का हमारा इजी टारगेट होगा। और बड़े बड़े टारगेट्स आप लेके चल सकते हैं पहला, और बड़े आप अपने हिसाब से टारगेट दे सकते हैं। अपर साइड के मेरे को अच्छी खासी ट्रेड मिल सकती है, बस ध्यान रखना टारगेट्स मैंने उतने अच्छे नहीं दिए हैं लेकिन इसमें जो स्टॉप लॉस है वो बहुत अच्छा है और एंट्री बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आप अच्छे ब्रेकआउट पे अच्छे रिटेस्ट पर एंटर कर जाओगे तो अपसाइड की हमको बहुत अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती है। बेयरिश साइड की बात करें, बेयरिश सेक्टर की ज़्यादा मैं वो नहीं हूँगा, मेटल सेक्टर में ये वाला एक इंपॉर्टेंट सपोर्टर काम करेगा, साथ में ट्रेंड लाइन भी है। तो इस वाले सपोर्ट का ब्रेकडाउन प्लस आराम से रिटेस्ट होता है 154.50 के लेवल पे, तो इजी ट्रेड मिलेगी हमको। बेयरिश साइड की पहला सपोर्ट हमारा पहला टारगेट रहेगा और जो मेजर सेकंड नेक्स्ट सपोर्ट है वो रहेगा हमारा 153 का नेक्स्ट टारगेट। तो इजी हमको बेयरिश साइड की ट्रेड भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अपने इंट्राडे स्टॉक की तरफ चलते हैं, वो है हमारा एयू बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अच्छा है, अभी अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने ये चार्ट बनाया था तो 5 मिनट टाइम फ्रेम आपको इजी दिखाता हूं, अच्छा लगेगा आपको। मेरे को लगता है ये स्टॉक अच्छा खासा कंसोलिडेट हो चुका है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में इसका फॉर्मेशन हुआ है, लोअर ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी है। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होता है प्लस ये वाला जो सपोर्ट लेवल है इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो हमको इजी डाउनसाइड ट्रेड देखने को मिल सकती है। पहला टारगेट इजी रहेगा 1355 का और सेकंड टारगेट आपको आराम से छोटे छोटे टारगेट्स में लेके चल सकते हैं आराम से। मैं सिर्फ रहता हूं ये जो सपोर्ट ले रही है जहां पर सपोर्ट ले रही है ट्रेंड लाइन में वो आपको पहले नेक्स्ट टारगेट्स लेके चल सकते हैं। इजी ट्रेड आपको मिल जाएगी
13,140 तक 20 पॉइंट्स की इजी ट्रेड हमको AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखने को मिल सकती है। अपर साइड की बात करें, अपर साइड के लिए हमको इजी ट्रेड मिलेगी। इसमें भी हमको ये मिलेगा कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट हो जाता है तो इजीली ऊपर साइड पे एंटर कर सकते हैं। ट्रेडिंग करते हुए आप ऊपर को टारगेट ले सकते हैं। अपर साइड के मैं टारगेट्स नहीं दूंगा, ओपन टारगेट्स हैं। अगर इसका अच्छा ब्रेकआउट हो जाता है, अच्छा रिटेस्ट होता है, बैंक निफ्टी सपोर्ट करता है तो ईजी ट्रेड हमको मिलने वाली है। तो यही था इस वीडियो में, होप करता हूँ वीडियो को अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स में बताना वीडियो से रिगार्डिंग क्या प्रॉब्लम है और क्या क्वेरीज है। मेरे इंस्टाग्राम प्लस टेलीग्राम पेज को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि उसमें मैं स्विंग ट्रेडिंग प्लस इंट्राडे के चार्ट शेयर करता रहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।